गाइस, तो पढ़ते पढ़ते मुझे हो गई थी क्रेविंग्स और पढ़ते पढ़ते ज्यादा भी खाने का मन करता है, इसलिए मैं आ गई हूँ किचन में। और सबसे पहले आज जो है मस्त से सैंडविच बनाएंगे। तो मैंने जो है ये सब्जियां कट करके रख ली हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डालेंगे देसी घी, कुछ नहीं होता, मोटा छोटा बनता, फटाफट से डाल देना चाहिए। तो ये हमने डाल दिए, अच्छे से कर लेते हैं। आज आपको एक मस्त रेसिपी बताऊंगी, इधर मस्त सैंडविच बनते हैं जल्दी और इजी। तो सबसे पहले हम जो है ग्रीन चिली डाल लेंगे, और ये है हमारे पास ग्रीन लहसुन, ये देखो डाल दिया हमने। ये जुकिनी और कुकुम्बर हम लास्ट में डालेंगे सैंडविच में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब हम इसको हल्का सा कर लेते हैं, अरे ये मिर्ची मोटी रह गई है मेरे मुंह में, आई मोटी मोटी मिर्ची। तो ये बिल्कुल हल्के हल्के सोते करने हैं, ये हमारे हो गए। हम फटाफट से ये जो है हमारे पास हमने बीन्स है, अनियन है, और कॉर्न है, मशरूम है, कैरेट है, कैप्सिकम है, ये सारी हमने हल्की सी सोते करनी है। ये देखो आपको सारी वेजिटेबल्स दिखी रहेगी, हल्के हल्के सोते करेंगे हम इनको, ज्यादा सोते नहीं करेंगे। ये हमने लिया नमक, अब हमने लिया ये ब्लैक पेपर थोड़ा सा, और हमने लिया शेजवान, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारा, यमी यमी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी वेजेस में। सो गाइस देखो ये हल्का हल्का कितना प्यारा लग रहा है, हल्का हल्का सोते हो रहा है। ये एक मशरूम भी बड़ा रह गया, चलो हम इसको तोड़ देते हैं हल्का सा। और ये मैगी मसाला तो हमारा ऑल इन वन रेसिपी, हर नहीं गलता ही है। अब हमने हल्का ही सोते करना था, और ये मैगी मसाला डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको बंद कर लेते हैं, क्योंकि हमने ज्यादा सोते नहीं करना, बिल्कुल हल्का हल्का ही करना था जो भी हमारा हो गया, ताकि वेजिटेबल्स जो हमारे क्रंची रहे और जब हम खाएं तो मस्त टेस्ट आए। अभी हम इसमें डाल देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ा इसको, क्योंकि हमने फिर इसमें कुछ और भी ऐड करना है। तो ये है हमारी अमूल की फ्रेश क्रीम, जो कि हम इसके अंदर डालेंगे हमारी सब्जियों के अंदर। ये देखिए गाइस, एक बार पहले इतनी करके देख लेते हैं, बस तो मेरे हिसाब से ये हो ही जाएगी क्रीमी 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 सैंडविच। मैं तो मुँह में अभी से पानी आ रहा है, देखना बनेगा जब कितना टेस्टी बनेगा। हाँ खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सो गाइस ये हो गया क्रीमी, थोड़ा सा और क्रीमी कर लेते हैं। अरे क्रीमी क्रीमी हो गया, ये आप लोग देख पा रहे हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ये हमने लिया फ्रेश फ्रेश अपने ब्रेड, और हम ले लेते हैं टू स्लाइसेस। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम यही पे बनाते हैं पाउंड हम। तो हमने ये टू जो स्लाइसेस लिए हैं ये देखो, तो सबसे पहले जो है हम एक तरफ तो रख लेते हैं हमारे ये जो पतली पतली स्लाइस में हमने कुकुम्बर कट करे थे, ठीक है। और फिर हमारी आ जाती है जुकिनी, ताकि हम थोड़ा बहुत हेल्दी भी खा सकें, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ये, तो जितनी हो सके भर भर के हम लगा देते हैं इसको। ऐसे ही हम दूसरे पे कर लेंगे। अब हमने ये रखने के बाद इसके ऊपर डाल दी हमारी वेजेस जो कि हमने सोते की थी, तो हमने इसको अच्छे से चारों तरफ भर भर के लगा देना, भर भर के। तो ये है हमने अमूल की चीज स्लाइस ली है, ये हम इसे कट कर देते हैं, ये हो गई कट। अब हम इसमें से दो चीज स्लाइस निकालेंगे, चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ रख देंगे हमारे सैंडविच में, ताकि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो ये हम थोड़ा सा और डाल रहे हैं घी, अरे इसको हम चारों तरफ लगा लेंगे, ताकि हमारे ब्रेड हम यहाँ रखेंगे इसमें जल्दी जल्दी कर जाओ। अब हम इसको रख देते हैं ऐसे ही पैक करके, तो ये हमारी ब्रेड बनकर खुल चुकी है, अभी रेडी नहीं हुई है, तो हम इसको रखते हैं इधर। और
को थोड़ी सेकंड्स के लिए, ज्यादा नहीं, थोड़े सेकंड्स के लिए ढक के रख देंगे ताकि चीज भी अच्छे से हीट की वजह से मेल्ट हो जाए। सो ये मैंने जो है पलट दिया, ठीक है, और ये देखो कितना क्रंची और प्यारा लग रहा है, ज्यादा नहीं क्रंची करना, हल्का हल्का, जैसे ये किसी के टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हम इसको 2 सेकंड के लिए ढक देते हैं। तो ये हमने निकाल लिया अपने प्लेट में, और ये देखो कितना चीज़ी और यम्मी लग रहा है, और साथ ही साथ क्रंची भी। तो मैं खाती हूँ उसको। बहुत ही इजी रेसिपी है, आपको जब भी क्रेविंग, तो 2 मिनट, 2 मिनट से 5-10 मिनट में बन जाता है, और आप खा सकते हो इसको जब भी अच्छी।